सो हेलो एवरीबॉडी, मेरा नाम है पूजा मौर्य एंड इस वीडियो में मैं थोड़ी सी ज़्यादा रूड हो सकती हूँ, बट कोशिश करना मेरे भी पर्सपेक्टिव को समझने की। काफ़ी सारे बच्चे मुझे लगातार इंस्टा पे, टेलीग्राम पे, फिर कमेंट सेक्शन में लगातार मुझे कह रहे हिस्ट्री चैप्टर सिक्स, हिस्ट्री चैप्टर सिक्स। आई नो कि वो चैप्टर टफ है, आई नो दिस। मैं भी जब क्लास 10 में थी तो उस चैप्टर ने मुझे रुलाया था, वो चैप्टर टफ है, मुझे पता है ये बात, और आपको दिक्कत हो रही उस चैप्टर में। लेकिन मैंने अपने वीडियोज़ में कई बार मेंशन किया है कि चूंकि वो चैप्टर टफ है मैं उसको अभी कवर नहीं करने वाली, क्योंकि कुछ भी मैं जब पढ़ाती हूँ वीडियो के अंदर आकर तो मैं उसके लिए खुद पहले पढ़ती हूँ। लेकिन बिलीव मी, मुझे अभी तुम्हारे जो भी हिस्ट्री के टॉपिक्स हैं उसको पढ़ने का वक्त नहीं मिल रहा, बिकॉज मेरे भी एग्जाम्स आ रहे हैं। तो मैं अपने एग्जाम्स के कंटेंट को पढ़ रही हूँ, तुम्हारे एग्जाम्स के कंटेंट को मैं नहीं पढ़ पा रही इस वक्त के लिए। मेरे एग्जाम्स जुलाई में लगभग तुम्हारे हो सकते हो 25 तारीख के अंदर अंदर खत्म हो जाएंगे, उसके बाद मैं तुम्हारे कंटेंट को पढ़ना शुरू करूंगी और अपडेट अपलोड करना शुरू करूंगी। लेकिन रहा बात जो लाइसेंस का कंटेंट है जो मैं अभी डाल रहा हूँ, उसके लिए मुझे कुछ ऐसा एक्स्ट्रा से पढ़ने की जरूरत नहीं है। मैं वहाँ पे थोड़ा बहुत नॉलेज ऑलरेडी रखती हूँ, इसलिए मैं थोड़ा बहुत और ज़्यादा पढ़ पूछती हूँ वहाँ पर अपलोड कर देती हूँ। लेकिन हिस्ट्री में चैप्टर 6 अपलोड करने के लिए मुझे बहुत ज़्यादा पढ़ना होगा, बहुत ज़्यादा स्टडी करना होगा, जो कि मैं अभी इस वक्त नहीं कर सकती, बिकॉज आई डोंट हैव इनफ टाइम फॉर दैट। सेकंड पॉइंट, बहुत सारे बच्चे मुझे लगातार आके बोल रहे हैं कि आप अपने सेकंड चैनल पूजा मौर्य डियर अप में बहुत सारे कंटेंट्स को लगातार डाली जा रही हैं, यहाँ आपका एक्टिविटी स्लो है। रिमेंबर वन थिंग, उस चैनल में इसलिए मैं लगातार अपलोड कर रही हूँ बिकॉज उस चैनल में जो सब्जेक्ट्स में डाल रही हूँ, इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस स्टडीज, वो दोनों मेरे कॉलेज लेवल एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। तो कहीं ना कहीं मैं जब वहाँ पे वीडियो डाल रही हूँ तो काइंड ऑफ मेरा रिवीजन हो रहा है मेरी कॉन्टेंट्स का। रात में इकोनॉमिक्स ऑनर्स करूँ तो इकोनॉमिक्स तो फुल्ली मेरे ही पार्ट में, बिजनेस स्टडीज इसलिए अपलोड कर रही हूँ क्योंकि अभी मैं फिलहाल बिजनेस स्टडीज को पढ़ रही हूँ, तो उसको पढ़ के वहाँ पे उसका एक कॉम्पैक्ट वर्जन में उसका रिवीजन फॉर्मेट में मैं अपना अपलोड कर दे रहा हूँ, ताकि उससे लोगों को भी हेल्प हो और मुझे भी हेल्प हो रहा है वीडियोस के थ्रू। यहाँ पे क्लास 10 का वीडियोस बनाने के लिए जो भी मुझे पहले से आता है, बहुत ज़्यादा डीपली मुझे पता है और मुझे उसके लिए ज़्यादा नहीं पढ़ना, उसका मैं वीडियोज़ लगातार डाल रहा हूँ। हिस्ट्री का थोड़ा सा रुका हुआ है, ज्योग्राफी का थोड़ा सा रुका है, बिकॉज उसके लिए मुझे खुद को थोड़ा सा पढ़ना होगा। बिलीव मी, पूजा मौर्य योर दीदी डज नॉट नो एवरीथिंग, फॉर दैट आई माईसेल्फ हैव टू स्टडी अ बिट, गो थ्रू द कंटेंट, कहाँ से प्रीवियस क्वेश्चन आए वहाँ से लिंक करते हुए मुझे एक तैयारी करना होता है, उसके बाद में वीडियो में आगे कुछ बोलूँगी। मैं यहाँ पे अंधाधुंध ऐसे नहीं बोल सकती कि जैसे मैं बोल के चल जाऊँ आपको समझ में आए, बस समझ में आ रहा है। सो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो बिफोर एंड थर्ड पॉइंट, मेरी भी बार कमिंग अप टू मी सेइंग कि आप नोट्स नहीं दे रही है, नोट्स का क्या हुआ, ये वो देखो मैं नोट्स बना नहीं पा रही इस वक्त। लेकिन अगर मैं अपने वीडियोस में हर एक पॉइंट को एक्सप्लेन कर रहा हूँ तो खुद के तुम टेम्पोररी नोट्स बनाने के काबिल हो या नहीं, जब मैं कहती हूँ कि थोड़ा बहुत खुद के नोट्स बना लो उसमें ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है। मैंने जो वीडियो बनाया उसी को मैं लिख के दे देती हूँ तो उसी को नोट्स बोलते हैं, तो जो मैंने वीडियोस में समझाया उसी को तुम लोग लिखो ना, थोड़ा सा खुद से हैबिट डालो ना। लेकिन नहीं, सम पीपल जस्ट वॉन्ट मी टू स्पून फीड देम, डोंट डू दिस। मैंने क्यों बताया, श्रद्धा से तुम लोगों को पढ़ाया है ताकि तुम लोग खुद उसका नोट्स बना सको। और अगर मैं नहीं बना पा रही हूँ नोट्स किसी कारणवश, तो मैं यहाँ पर बाकीबाजी नहीं कर रही हूँ कि मैं यूँ ही वेस्ट कर रही हूँ टाइम और जानबूझ के नोट्स नहीं दे रही, ऐसा नहीं है। मेरे पास लिटरली अभी टाइम नहीं हो पा रहा, आई एम ऑलरेडी टीचिंग एट कोचिंग सेंटर, आई एम स्टडिंग माई सेल्फ, आई एम मेकिंग वीडियोज, आई एम नॉट गेटिंग इनफ टाइम, आई हैव टू चैनल्स एंड उस दोनों चैनल में मुझे कंसिस्टेंसी मेंटेन करना है, इसलिए मैं नोट्स मेंटेन बना नहीं पा रही हूँ। तो फॉर दैट रीजन आप लोग टेम्पोररी नोट्स बनाओ मेरे वीडियोस को लेकर, मेरे वीडियोस और मेरे नोट्स में ऐसा कुछ डिफरेंट नहीं मिलेगा आपको। मेरे जो नोट्स होंगे बस उसमें किस फॉर्मेट में लिखा जाता है वो मैं आपको बता देती हूँ, लेकिन मैं जब समझा रही होती हूँ तो मैं एक्सपेक्ट करती हूँ कि आप भी समझने के बाद खुद के शब्दों में उसे लिख सकें। लेकिन फ्यू स्टूडेंट्स जस्ट वॉन्ट कि भाई मैं उनको स्पून फिट करूँ, ऐसा नहीं होगा बेटा। तुम लोगों को खुद को थोड़ा सा यहाँ पे ब्रेन अप्लाई करना पड़ेगा। मैं यहाँ पे इस वीडियो में थोड़ी हार्श रही क्योंकि काफ़ी दिनों से काफ़ी सारे बच्चे मुझे इंस्टा पे कॉल करने लग जाते हैं। बिलीव मी, आई एम नॉट फ्री इनफ टू टेक ऑल ऑफ योर कॉल, आई एम नॉट फ्री इनफ, आई एम रियली सॉरी। जब मैं फ्री होती हूँ, आई हैव टेकन एक दो स्टूडेंट्स का मैंने कॉल उठाया भी है टेलीग्राम पे या फिर इंस्टा पे कि दीदी अर्जेंट है मुझे बात करना है, आई हैव टेकन अप, मैंने वहाँ पे लोगों से बात भी किया है। लेकिन जब मैं फ्री नहीं होती, जब मैं बाहर होती हूँ, जब मैं दूसरे बच्चों को पढ़ा रही होती हूँ, तो वहाँ पे मुझे इंस्टा पे कॉल आया, मुझे टेलीग्राम पे कॉल आया, डोंट डू दिस, आई एम नॉट फ्री दैट मच बेटा। अगर आप वहाँ पे टेक्स्ट कर दिया मैं आपको सीन करके रिप्लाई नहीं कर पा रही हूँ, तो वो जान मुझे इग्नोर नहीं कर रही हूँ, मैं जान मुझे नहीं कर रही हूँ। मैं जब भी आप पूछो कि जब भी आप नोट्स मांगते हो मैं जरूर फॉरवर्ड करने की कोशिश करती हूँ, हो सकता है उसमें 6 घंटे लेट हो जाऊँ, मैं 8 घंटे लेट हो जाऊँ, बिकॉज मैं भी अपने काम पर बिजी होती हूँ। तो प्लीज़ डो नॉट माइंड ऑल दोज थिंग्स, बस इस वीडियो में यही बोलना था। और इसलिए आज थोड़ा मूड भी सही नहीं था इसी कारणवश, तो अभी जस्ट पहले वीडियो बनाया, आसपास शोर शराबा सुन ही रहे, आई एम रियली सॉरी अगर इसमें किसी को बुरा फील हुआ है, मैंने जान मुझे कुछ भी यहाँ पे गलत या झूठ बोलने की कोशिश नहीं की है। आपको लग सकता है कि भाई पूजा दीदी में एटीट्यूड आ गया, नॉट लाइक दैट, मेरे अंदर कोई एटीट्यूड नहीं आया है, एंड कृष्ण से यही प्रे है कि मुझे कभी एटीट्यूड चाहिए भी नहीं। मैं बस चाहती हूँ कि आप लोग थोड़ा सा मेरे भी सिचुएशन को समझने की कोशिश करें, एंड जैसे मेरे एग्जाम्स ओवर होते हैं आई विल बी बैक ऑन ट्रैक एंड मे बी आगे भी तुम लोगों के इसी बैच के लिए कुछ कुछ सोचने की कोशिश करूँगी। लेकिन अभी मैं खुद अपने एग्जाम्स को लेकर बिजी हूँ, और अगर आपके किसी भी सीनियर्स ने इकोनॉमिक्स ऑनर्स लेकर वो पढ़ रहे हैं तो वो जानते हैं कि वो सब्जेक्ट कितना टफ है, समझना उसमें एग्जाम्स, उसके एग्जाम्स बहुत टफ है। तो अगर मैं वहाँ पे फाकीबाजी मारूंगी अपने एग्जाम्स में, अपने कंटेंट को नहीं पढ़ूंगी, और तो फिर कॉलेज का जाने का कोई फायदा नहीं है। तो दैट इज़ वाई प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड माई सिचुएशन एज वेल, एंड आई कैन गारंटी दैट सून आफ्टर जुलाई आई विल बी बैक विद माई नोट्स, बैक विद माई कंसिस्टेंट वीडियोज़, एंड दैट्स ऑल, थैंक यू।